खबर रुद्रपुर के उद्धम सिंह नगर से है, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में फॉरेंसिक लैब में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं भर के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक के कर्मचारी और अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं कार्यशाला में कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी मंजुनाथ टीसी और ज्वाइंट डायरेक्टर फॉरेंसिक दयाल शरण कार्यशाला में मौजूद रहे। डीआईजी नीलेश आनंद भरण ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक के कर्मचारियों को जानकारी देना था, जिसमें बताया गया है कि कोई भी घटना होने पर मौके से किस तरह से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जाए और किन किन चीजों को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाए। इसके अलावा किस तरह से घटना स्थल के सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब में भेजे जाए, इसको लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यशाला से कर्मचारियों को जानकारी मिलती है और अपराधियों को सजा दिलाने में फॉरेंसिक रिपोर्ट का अहम योगदान होता है। इस दौरान डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने अच्छा काम करने वाले कई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की जो हायर फोरम्स हैं, जीमेची के लेवल पे इस पर काफी मंथन हो रहा है कि किस तरह से हम लोग अपना कन्विक्शन रेट बढ़ाए, हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी को किस तरह बेटर करें। फॉरेंसिक जो है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक अच्छी जांच को जो है कोर्ट में ले जाने के लिए एक अहम किरदार है फॉरेंसिक। तो इसमें पुलिस के लिए जो है हमेशा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की है और उनकी जो विटनेस है एक अहम मानी जाती है। इसी कड़ी में हम हमेशा हमारे जो विवेचक है इनको फॉरेंसिक की ट्रेनिंग कराते हैं। आज इसी सिलसिले में रुद्रपुर जो रीजनल फॉरेंसिक लैब है, इसमें एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।